हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू न्यू न्यू गुड गुड वे। वे। आज आज दोस्तों दोस्तों 8 8 जुलाई जुलाई 2023 2023 और और 8 8 जुलाई जुलाई को को जो जो भी भी डेली डेली करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स के के जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बन बन रहे रहे हैं हैं उनके उनके बारे बारे में में हम हम डिटेल डिटेल से से डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। और और आज आज की की वीडियो वीडियो की की आपको आपको पीडीएफ पीडीएफ चाहिए चाहिए तो तो आप आप हमारे हमारे जो जो टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप है है वहाँ वहाँ से से वीडियो वीडियो की की पीडीएफ पीडीएफ है है वो वो प्राप्त प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। और और लास्ट लास्ट में में आपको आपको क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी दिया दिया जाएगा जाएगा जिसका जिसका आंसर आंसर है है वो वो आपको आपको कमेंट कमेंट बॉक्स बॉक्स में में लिखना लिखना है। है। तो तो चलिए चलिए दोस्तों दोस्तों स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन से। से। और और आज आज का का वीडियो वीडियो आपको आपको अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और इसका इसका बेल बेल आइकन आइकन है है वो वो जरूर जरूर प्रेस प्रेस करें करें ताकि ताकि डेली डेली के के जो जो वीडियो वीडियो अपलोड अपलोड कर कर रहा रहा हूँ हूँ मैं मैं उनका उनका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है है वो वो आपको आपको मिलता मिलता रहे। रहे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन वन है है कि कि भारतीय भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक है, है, इन्होंने इन्होंने किसको किसको आरबीआई आरबीआई का का नया नया कार्यकारी कार्यकारी निदेशक निदेशक के के रूप रूप में में नियुक्त नियुक्त किया किया है? है? तो तो इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का राइट राइट आंसर आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी, बी, ये ये पी पी वासुदेवन वासुदेवन को को नियुक्त नियुक्त किया किया गया गया जो जो आरबीआई आरबीआई है है भारतीय भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक। बैंक इन्होंने इन्होंने पी पी वासुदेवन वासुदेवन को को आरबीआई आरबीआई का का जो जो नया नया कार्यकारी कार्यकारी निदेशक निदेशक के के तौर तौर पर पर नियुक्त नियुक्त किया किया गया गया है। है। और और आरबीआई आरबीआई जो जो कार्यकारी कार्यकारी पद पद पर पर जो जो वासुदेवन वासुदेवन की की नियुक्ति नियुक्ति है है ये ये 3 जुलाई3 जुलाई 2023 2023 से से प्रभावी प्रभावी हो हो चुकी चुकी है। है। और और आरबीआई आरबीआई है है इसमें इसमें जो जो पी पी वासुदेवन वासुदेवन है है वो वो करेंसी करेंसी मैनेजमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कॉरपोरेट कॉरपोरेट रणनीति रणनीति और और बजट बजट विभाग विभाग और और प्रवर्तन प्रवर्तन विभाग विभाग कार्यकारी कार्यकारी निदेशक निदेशक के के तौर तौर पर पर अपना अपना पद पद वो वो संभालेंगे। संभालेंगे। और और इससे इससे पहले पहले जो जो पी पी वासुदेवन वासुदेवन है है ये ये पेमेंट पेमेंट एंड एंड सेटलमेंट सेटलमेंट जो जो सिस्टम सिस्टम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के के चीफ चीफ जनरल जनरल मैनेजर मैनेजर इंचार्ज इंचार्ज के के पद पद पर पर भी भी वो वो रह रह चुके चुके हैं। हैं। और और पी पी वासुदेवन वासुदेवन है है ये ये पिछले पिछले 3 दशक 3 दशक से से जो जो आरबीआई आरबीआई के के साथ साथ वो वो काम काम कर कर रहे रहे हैं। हैं। और और इसके इसके अलावा अलावा वो वो बैंकर बैंकर के के जो जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग कॉलेज कॉलेज में में फैकल्टी फैकल्टी मेंबर मेंबर भी भी वो वो रह रह चुके चुके हैं। हैं। अब अब आरबीआई आरबीआई बैंक बैंक है है तो तो आरबीआई आरबीआई बैंक बैंक भारत भारत का का केंद्रीय केंद्रीय बैंक बैंक और और भारत भारत के के सभी सभी बैंकों बैंकों का का संचालन संचालन करता करता है। है। और और आरबीआई आरबीआई ये ये भारतीय भारतीय जो जो इकोनॉमी इकोनॉमी है है उसको उसको भी भी कंट्रोल कंट्रोल करता करता है। है। और और आरबीआई आरबीआई का का जो जो हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर दोस्तों दोस्तों वो वो है है दोस्तों दोस्तों मुंबई मुंबई महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में। और और आरबीआई आरबीआई की की जो जो स्थापना स्थापना है है ये ये 1 अप्रैल1 अप्रैल 1935 1935 को को आरबीआई आरबीआई की की स्थापना स्थापना हुई हुई थी। थी। और और प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम टाइम गवर्नर गवर्नर है है शक्तिकांत शक्तिकांत दास। दास। और और आरबीआई आरबीआई जो जो आधारण आधारण दर दर रही रही है है 56.25%। छप्पन पच्चीस प्रतिशत। अब अब जो जो इससे इससे संबंधित संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बिंदु बिंदु बनते बनते हैं हैं बैंकिंग बैंकिंग से से संबंधित संबंधित उन उन पर पर भी भी एक एक नजर नजर डाल डाल लेते लेते हैं हैं कि कि भारतीय भारतीय स्टेट स्टेट बैंक बैंक ने ने कामेश्वर कामेश्वर राव राव कोंदावंती कोंदावंती है है इसको इसको अपना अपना मुख्य मुख्य वित्तीय वित्तीय अधिकारी अधिकारी नियुक्त नियुक्त करने करने की की घोषणा घोषणा की। की। और और आरबीआई आरबीआई ने ने कोहिमा कोहिमा में में अपना अपना उपकार्यालय उपकार्यालय खोला खोला है। है। गो गो डिजिट डिजिट लाइफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस को को भारत भारत में में जीवन जीवन बीमा बीमा कारोबार कारोबार के के लिए लिए इरिडा इरिडा की की मंजूरी मंजूरी है है वो वो मिली मिली। है। है और और बीओबी बीओबी ने ने नेशनल नेशनल स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया में में अपने अपने स्वामित्व स्वामित्व का का एक एक हिस्सा हिस्सा बेचने बेचने की की इरादे इरादे की की घोषणा घोषणा वो वो की की है। है। और और आरबीआई आरबीआई ने ने इंडियन इंडियन ओवरसीज ओवरसीज बैंक बैंक पर पर 2.2 करोड़2 करोड़ रुपए रुपए का का जुर्माना जुर्माना वो वो लगाया लगाया है। है। और और बैंक बैंक ऑफ ऑफ बड़ौदा बड़ौदा ने ने अपने अपने डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक बैंक बैंक गारंटी गारंटी है है ये ये लॉन्च लॉन्च किया। किया। और और सिटी सिटी यूनियन यूनियन बैंक बैंक ने ने भारत भारत का का पहला पहला वॉइस वॉइस बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण एप्लीकेशन एप्लीकेशन है है बैंकिंग बैंकिंग एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसको इसको लॉन्च लॉन्च किया किया है। है। और और एसबीआई एसबीआई ने ने अमृत अमृत कलश कलश रिटेल रिटेल टर्म टर्म डिपॉजिट डिपॉजिट स्कीम स्कीम है है वो वो फिर फिर से से शुरू शुरू की की है। है। और और इंडिया इंडिया पोस्ट पोस्ट पेमेंट्स पेमेंट्स बैंक बैंक ने ने व्हाट्सएप व्हाट्सएप बैंकिंग बैंकिंग सेवाएं सेवाएं और और शुरू शुरू की की है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर टू टू कि कि किस किस राज्य राज्य में में वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ फ्रेंडली फ्रेंडली हाईवे हाईवे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का का उद्घाटन उद्घाटन है है वो वो पीएम पीएम मोदी मोदी के के द्वारा द्वारा वो वो किया किया गया गया है? है? तो तो इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का राइट राइट आंसर आंसर है है ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सी, सी, ये ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य राज्य में में किया किया गया गया है। है। तो तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी है है इन्होंने इन्होंने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में में वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ फ्रेंडली फ्रेंडली हाईवे हाईवे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का का उद्घाटन उद्घाटन किया। किया। और और पीएम पीएम मोदी मोदी इन्होंने इन्होंने 6 लेन6 लेन ग्रीनफील्ड ग्रीनफील्ड रायपुर रायपुर विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम कॉरिडोर कॉरिडोर के के छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ खंड खंड के के लिए लिए जो जो 3 राष्ट्रीय 3 राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग परियोजना परियोजना है है उनका उनका उद्घाटन उद्घाटन वो वो किया किया। है। है। और और ये ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वो वो उदंती उदंती वन्य वन्य जीव जीव अभयारण्य अभयारण्य क्षेत्र क्षेत्र से से होकर होकर वो वो गुजरेगा। गुजरेगा। अब अब छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य राज्य है है तो तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य राज्य भारतीय भारतीय एक एक राज्य राज्य है है जिसको जिसको आप आप मैप मैप में में देख देख सकते सकते हैं। हैं। और और इसके इसके पड़ोसी पड़ोसी राज्य राज्य हैं हैं उत्तर उत्तर प्रदेश, प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश,
ये 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, ये भारत में अर्ध न्यायिक आयोग है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। और इसका जो प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है और आयोग का नेतृत्व है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान किया है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है तो इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की एक स्थापना करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है कि उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इन्होंने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करने जा रहा है। जो इसरो है, इन्होंने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 है इसकी जो लॉन्चिंग की तारीख है उसका ऐलान कर दिया। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। और इससे पहले एजेंसी ने जो 12 से लेकर 19 जुलाई के बीच में तारीख वो तय की थी। और चंद्रयान 3 है इसका फोकस है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर। और इसरो के जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है एस सोमनाथ, इन्होंने चंद्रयान 3 के तहत जो इसरो है वो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास हो करेगा। और इसमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी कामयाबी हो बताई जा रही है। अब जो चंद्रयान 2 है तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 ने मात्र 48 दिनों में 30,844 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी जिसमें इस चंद्रयान 2 पर लगभग 978 करोड़ रुपए का खर्चा वो आया था। अब जो इसरो है तो इसरो भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। और इसकी स्थापना है इसरो की ये दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। तो ये इसका जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व चॉकलेट दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। जो हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन चॉकलेट की दीवाने और चॉकलेट पर इससे बनने वाली कई चीजों को आपस में शेयर करते हैं और आनंद लेते हैं। और इस बेहतरीन चीज को जो बनाने या इजाद करने वाले को तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं। और खास बात यह है कि हर बार चॉकलेट डे को मनाने की खास वजह और जो सेलिब्रेशन है उसका भी एक अलग तरीका वो होता है। तो चॉकलेट का इतिहास है वो करीबन आज से 2500 साल पुराना वो माना जाता है। और कहा जाता है कि इसकी जो खोज है ये 2000 साल पहले अमेरिका की जो रेन फॉरेस्ट में वो की गई थी। और वर्ल्ड चॉकलेट डे है वो यूरोप में चॉकलेट बनाने की शुरुआत की एक वर्षगांठ के तौर पर वो मनाया जाता है। और चॉकलेट डे की शुरुआत वो साल 2009 में वो हुई थी। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस या चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व युवा दिवस के रूप में, और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और गुरु पूर्णिमा, 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया गया। जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है एनसीसी, इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक ने जो पहली उड़ान योजना के तहत सभी कैडेटों के 0 बैलेंस अकाउंट के लिए एक समझौता किया है। और इस समझौते से हर साल लगभग जो 5 लाख कैडेट है वो इसमें लाभान्वित होंगे। और इस अवसर पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इन्होंने कैडेटों के लिए सिंगल विंडो एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है वो भी लॉन्च किया है। अब जो एसबीआई है तो एसबीआई भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। और इसकी स्थापना है एसबीआई की ये 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी टैगलाइन है शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। और इस एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एफ आई एच हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन है
इसका चैंपियन है वो कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, ये नीदरलैंड बना। जो नीदरलैंड की पुरुष टीम है इन्होंने सीजन चार का अपना अभियान है इसमें 35 अंकों के साथ समाप्त किया, जिसमें वो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 है इस सीजन के चैंपियन वो बने। और इसी जीत के साथ नीदरलैंड है ये पुरुषों की प्रतियोगिता में दूसरा खिताब जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है, और जिसने पिछले साल प्रतियोगिता में जीते अपने खिताब का सफलतापूर्ण बचाव किया था। अब जो FIH प्रो लीग 2022-23 की स्टैंडिंग देखे उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि इसमें जो नीदरलैंड की टीम है इसमें जो 16 मैच हुए थे इन्होंने 10 मैच जीते और इसको जो पॉइंट मिले हैं वो 35 मिले हैं, और जो भारत है इसमें इन्होंने भी 16 मैच है जिसमें इन भारत को 30 पॉइंट वो मिले हैं, और न्यूजीलैंड को सबसे कम पॉइंट मिले हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट वो नीदरलैंड को मिले हैं। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन को, बेल्जियम को, भारत को, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड को मिले, और इन्होंने जो भारत ने जो 5 मैच है वो हारे थे और नीदरलैंड ने 2 मैच है वो हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित अभ्यास जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण है ये किस देश के साथ आयोजित हो किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जापान के साथ में। जो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा जो आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास है जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिसको जिमेक्स 2023 का जो 7वां संस्करण है ये 5 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में 10 जुलाई 2023 तक जो विशाखापट्टनम है वहां पर ये आयोजित हो किया जा रहा है। इस संस्करण का जो 2012 में अपनी स्थापना के बाद जिमेक्स की जो 11वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई थी। अब जो कौन से अभ्यास है किस देश के बीच में वो किए जाते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2022 है ये भारत और अमेरिका के बीच में, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में, गरुड़ वरुण और शक्ति है ये भारत और फ्रांस के बीच में, इंद्रधनुष अजय वॉरियर और कोंकण युद्ध अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच में, धर्म गार्जियन सैन्य मैत्री जिमेक्स युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में, खंजर युद्ध अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, समुद्र शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में, मिलन 2022 है ये 46 देशों के द्वारा विशाखापट्टनम में हाल ही में आयोजित किया गया था। अब जापान देश है तो जापान है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसके पड़ोस में पूरी चीन सागर है, ताइवान है, चीन है, कोरिया और रूस है इसके पड़ोस में, और यहाँ की राजधानी है जापान की वो टोक्यो, यहाँ के प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा और सम्राट नारुहितो, और जापान की जो मुद्रा है वो है दोस्तों जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत ने इलेक्ट्रोल जो कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पनामा देश के साथ समझौता किया है। जो भारत के चुनाव आयोग और पनामा के जो इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता किया गया है, और भारत चुनाव आयोग और पनामा का जो चुनावी न्यायिकरण एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के सदस्य हैं, और पनामा वो मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है पनामा सिटी जिसको आप पनामा को आप मैप में देख सकते हैं, और इसके साथ में ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के धरती बीच में ये दोनों को जोड़ता है, और कोस्टा रिका, कोलंबिया, प्रशांत महासागर ये भी पनामा के पड़ोस में, और यहाँ की राजधानी है पनामा शहर, राष्ट्रपति है जुआन कार्लोस वेरला, और यहाँ की मुद्रा है वो है बालबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन है वो जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, WMO के द्वारा वो जारी की गई है, जो 7 साल के अंतराल के बाद जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO इन्होंने ओजोन यूवी बुलेटिन है उसको फिर से शुरू किया है, जो ओजोन परत की लगातार रिकवरी को दर्शाता है, और वार्षिक बुलेटिन वैश्विक जो तापमंडलीय ओजोन स्तर और पराबैंगनी जो किरण है उनके संबंध में नवीनीकरण विवरण है वो प्रदान करेगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आरबीआई ने किसको आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये आधव अर्जुन है इनको नियुक्त किया गया, जो आधव अर्जुन है ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और अब इनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।